ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान होम्योपैथी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गैस्ट्रिक या फिर पेप्टिक अल्सर के बारे में, उनके कारण के, उनके लक्षण के और उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अल्सर के बारे में जानने से पहले आपने जानना होगा कि अल्सर क्या होता है। अल्सर एक छोटे से हम सिंपली टर्म में बोल सकते हैं, घाव को हम बोलते हैं कि जैसे स्किन के ऊपर एक घाव सा हो जाता है उसको हम घाव बोलते हैं। लेकिन जब भी हमारे पेट की जो इनर लाइनिंग है, जो हमारा पेट है, स्टोमक है या जो छोटी आंत है उसकी जो अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली झिल्ली है, उस पर जब घाव हो जाता है उसको हम बोलते हैं अल्सर। अब लोकेशन के हिसाब से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर वह आपके पेट में है, स्टोमक में है, उसको हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अगर वही आपको ड्यूडेनियम में है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, ड्यूडेनियम में है, उसको हम ड्यूडेनियम अल्सर बोलते हैं। तो कुल मिला के म्यूकस मेम्ब्रेन पे होने वाले घाव को हम अल्सर बोलते हैं। अब ये क्यों हो जाता है, इसके कौन कौन से कारण हैं, इसमें खासकर आपको देखने को मिलेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से एक तरह का बैक्टीरिया होता है इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके अंदर देखने को मिलेगा। स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा ड्रग्स खाने की वजह से, ज़्यादा मेडिसिन खाने की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन खाने की वजह से भी अल्सर हो जाते हैं। और कई बार होता है लाइफ स्टाइल पर डिपेंड होता है कि आपका खाना पीना किस तरह का है। जो लोग ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, फास्ट फूड, चटपटा, मिर्च मसाला, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर ये पेप्टिक अल्सर देखने को मिलते हैं। और कई बार ये परेशानी जेनेटिक भी देखने को मिलती है कि माँ बाप को है तो बच्चों को भी ये परेशानी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको चलो ये परेशानी हो गई है तो उसके अंदर आप कौन कौन से लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इसमें नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होगी, जी कच्चा होगा, आपको जो ब्लडी डार्क स्टूल आ सकती है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, आपको खून की उल्टियाँ भी आ सकती हैं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और आपका जो है हार्ट बर्निंग होगा, आपको यहाँ सीने में जलन महसूस होगी और कई बार यहाँ पे दर्द भी होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को गैस ज़्यादा बनती है, एब्डोमेन ब्लॉटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है। इसके साथ उसको पेशेंट को भूख लगनी बंद हो जाती है और साथ में स्पेसिफिक सिम्टम है इसका कि पेशेंट को चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है कि जैसे यहाँ पे कुछ जल रहा है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। और एब्डोमेन पेन होता है जो कि खाने से घट जाता है और खाली पेट भी वह बढ़ता है। कुल मिला के पेशेंट को खाली पेट भी परेशानी होती है, खाना खाने के बाद भी उसको दर्द होता है। खास करके दर्द ये मॉर्निंग में भी हो सकता है क्योंकि खाली पेट होता है, वो कुछ खाता है तो उसको आराम मिल जाता है। जब इतनी सारी कंडीशन पेशेंट के साथ हो जाती है तो पेशेंट वीक तो होगा, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है। कमजोरी की वजह से वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा और इरिटेबिलिटी हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि ये नॉर्मल फिनोमिना है। जब बॉडी के अंदर इतनी परेशानी है तो पेशेंट का स्वभाव भी उस तरह का हो जाएगा। तो ये इसके कुछ खास सिम्टम थे। तो दोस्तों, जब इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट के अंदर होते हैं तो वो तरह तरह की जांचें कराते हैं, जैसे LFT उनमें से खास जांच है, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, देखते हैं वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, हमारा जो स्टोमक के अंदर HCL है वो बढ़ जाता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, बहुत ज़्यादा चिंता में है, लगातार में आप चिंता में रह रहे हैं, तो हमारी बॉडी से HCL सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर से ज़्यादा HCL सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। जब वह बढ़ता है तो पेट में घाव करने शुरू कर देता है। ये बहुत सिंपल टर्म में मैंने आपको चीज़ बताई है। तो अब इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं, तो आप इसमें गैस्ट्रोस्कोपी नाम की जाँच होती है जिसमें आपके मुँह के अंदर कैमरा डालकर आसानी से अंदर तक देख सकते हैं, आपकी इसोफेगस में देख सकते हैं, जो फूड पाइप है उसमें देख सकते हैं कहीं पे घाव है या नहीं है। वह कैमरा आपके पेट तक चला जाएगा, वह जांच कर सकते हैं कि आपको पेप्टिक अल्सर हैं, कितने हैं और कहाँ पे इसकी लोकेशन है, उसमें आसानी से पता लग जाती है। तो इसमें बहुत सिंपल सी ये जांच है, गैस्ट्रोस्कोपी में आप फाइंड कर लें कि आपको पेप्टिक अल्सर हैं, ड्यूडेनियल अल्सर हैं या फिर गैस्ट्रिक टोटल अल्सर है। तो इस तरह की आप ये जाँच कराएँ। अब बात करते हैं, चलो आपके अंदर सिम्टम्स भी हैं, आपने जाँच करा ली है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो सिंपली आप एलोपैथिक में एंटासिड और फिर कई तरह की इसमें मेडिसन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक की, तो इसमें होम्योपैथी में भी काफ़ी सारी मेडिसन है। लेकिन जो लोग इस तरह के हैं, जो सेडेंट्री लाइफ में हैं, अपना सेडेंट्री लाइफ मीन्स मैंने आपको काफ़ी वीडियो में भी बताया है, जो लोग खाते हैं, पीते हैं,
और अपना फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, बैठे रहने का काम ज़्यादा है, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो और उनके पेट में इस तरह की परेशानी है, तो वो एक मेडिसिन लें जिसका नाम है नक्स वोमिका। ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी में लें, क्योंकि एक कॉमन सी मेडिसिन है जो मैंने आपको बताई है, नक्स वोमिका 30। अब बात करते हैं इसमें DDS की, डोज ड्यूरेशन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। तो इसमें जो डोज लेनी है आपने, पहली बार 30 पोटेंसी में लेनी है, और इसके आपने दो दो बूंदे दिन में 3 बार थोड़े से इसको आप पानी में डाल के भी लें, या फिर आप इसको डायरेक्टली टंग पे भी ले सकते हैं। ड्यूरेशन, तो इसमें ड्यूरेशन डिपेंड करते हैं कि पेशेंट के अंदर सिम्टम कितने पुराने हैं, उसकी परेशानी कितनी पुरानी है, उसको मेडिसिन से फ़ायदा लगता है या नहीं लगता है। आप लगभग 10 से 15 दिन मेडिसिन लें, आराम लगता है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, आराम नहीं लगता है तो आपको मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है। अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर आप मेडिसिन दूसरी ले सकते हैं अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। अगली हम बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब जिन दोस्तों को अल्सर नहीं है, वीडियो उन्होंने देखा है, तो वह अपनी क्या प्रिवेंटिव इसमें चीज़ें कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं वो इसमें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके कारण कौन कौन से हैं, तो आपने वही कारण अवॉइड करने हैं। जैसे कि अगर आप ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या फिर आप कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, टी ज़्यादा पीते हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है बिल्कुल। मतलब आप इसको 10-15 दिन में एक बार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल देखा है काफ़ी बच्चे इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिनके अंदर ये प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों में भी देखने को मिलती है, केवल खाने पीने की वजह से। तो प्राइमरी तो ये कि आपको खाने पीने में बहुत ध्यान रखना है। और दोस्तों, दूसरा इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने आप को व्यस्त रखें, तनाव से दूर रखें, स्ट्रेस से दूर रहें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम अपने आप को टहलाएँ। तो इस चीज़ में आप अपने आप को व्यस्त रखें, क्योंकि स्ट्रेस से ज़्यादा HCL निकलेगा और आपके अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आई होप दोस्तों, आपने वीडियो अगर पूरा देखा तो आप चीज़ इसमें समझ गए होंगे कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, क्या इसमें प्रिकॉशंस करनी है, क्या इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, और इसके और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कई बार होता है कि सीने में दर्द है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, फूड पाइप में दर्द हो रहा है, जलन वाला हो रहा है, बहुत तेज वाला हो रहा है, तो कई बार लगता है कि जैसे हार्ट का पेन होता है। लेकिन एक वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है जिसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपको गैस्ट्रिक पेन है या फिर हार्ट का पेन है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। आपके लिए मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया। दीवार क्या की मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे घर से रास्ते बना लिए।